हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट मुकाबला आरसीबी टीम ने जीत लिया है। आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स को 112 रनों से हरा दिया। तो भाइयों, इस मैच के बाद आरसीबी टीम से जुड़ी बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है, कुछ बड़ी बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों, आपको कैसी लगी आरसीबी टीम की ये जीत, आप जो हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, क्या आरसीबी आईपीएल 2023 में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या फिर नहीं, क्या वो आने वाले दोनों मैचेस जीतकर प्लेऑफ में जगह बना पाएंगे या फिर नहीं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा कर रख लीजिएगा, ताकि ऐसे ही हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको आरसीबी टीम से लगातार मिलती रहे। वहीं दोस्तों, ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर यार उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाओ लिंक पर क्लिक करो और ज्वाइन करके रख लो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आरसीबी ने 12 मैचेस खेल लिए हैं। 12वें मैच में आरसीबी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल्स को 112 रनों पर ऑल आउट कर दिया। टीम ने यह मुकाबला जो है अच्छे मार्जिन से जीता, जिसके चलते आरसीबी का रिटर्न रेट काफ़ी बेहतर हो गया है। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण अंक भी मिल चुके हैं, जिससे फैंस के अंदर अभी भी उम्मीदें जिंदा है कि आरसीबी टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। प्लेऑफ में जाने के लिए आरसीबी टीम को आने वाले दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे, तब यहां पर कुछ चांस बनेगा और टीम जो है प्लेऑफ खेल पाएगी। वहीं भाइयों, इस मैच के बाद पहली बड़ी अपडेट यह है कि आरसीबी टीम का नेट रन रेट जो है पॉजिटिव में पहुंच चुका है, जो टीम के प्लेऑफ क्वालिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है आने वाले मैचेस में। तो भाइयों, बहुत बड़ी खुशखबरी है सारे फैंस के लिए और टीम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि आरसीबी का रन रेट काफी बेहतर हो चुका है। इसके बाद दोस्तों, दूसरी बड़ी अपडेट है यहां पर विन पार्नेल को लेकर, जिनको इस मैच में जॉश हेजलवुड की प्लेस पर खेलने का मौका मिला था। इसके अलावा दोस्तों, हसरंगा की प्लेस पर ब्रेसवेल खेलते हुए दिखाई दिए थे। इन दोनों ही ऑलराउंडर्स ने शानदार गेंदबाजी करी। पार्नेल जहां पर दोस्तों 3 विकेट हासिल किए 3 ओवर में मात्र 10 रन देकर, इसके अलावा ब्रेसवेल ने 2 विकेट लिए, तो कहीं ना कहीं ये चेंज जो है आरसीबी टीम के लिए लकी साबित हुआ। इन दोनों ही प्लेयर्स ने बेहतरीन गेंदबाजी करी आरसीबी टीम के लिए, जिसके चलते टीम को जीत हासिल हुई। इसके बाद दोस्तों, अगली अपडेट में बात कर लेते हैं थोड़ा सा फैब डुप्लेसी और मैक्सवेल को लेकर, जिन्होंने आरसीबी टीम की पारी को फिर से संभाला, ऐसी पिच पर संभल कर बल्लेबाजी करी। फैब डुप्लेसी ने 55 रन बनाए। इसके अलावा दोस्तों, मैक्सवेल ने 54 रन की पारी खेली। दोनों ने ही अच्छी पारी खेलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, जिसके चलते आरसीबी टीम के गेंदबाजों के पास ये चांस आया और उन्होंने इस टारगेट को इजिली डिफेंड कर दिया, एक तरफा जीत दिला दी आरसीबी टीम को अपनी शानदार गेंदबाजी से। इसके बाद दोस्तों, अगली अपडेट में हम बात करते हैं यहाँ पर अनुज रावत की। अनुज रावत ने इस मैच में 29 रनों की तूफानी पारी खेली, आखिरी ओवर में 2 छक्के 1 चौके लगाकर आरसीबी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था, और दोस्तों एक शानदार रनआउट किया, कैच भी लिए। तो कहीं ना कहीं अनुज रावत जो है थोड़े से फॉर्म में कमबैक करते हुए नजर आए इस मैच में, और भाइयों अपने शानदार स्किल से आरसीबी टीम में अहम योगदान भी दिया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।